हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 6 का मैथ लेसन नंबर 17, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि जैसे कोई भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन रहेगा उसको हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंपास, प्रोटेक्टर और सेट स्क्वायर है। तो जैसे अगर सपोज करो अगर आपको ज्योमेट्री बॉक्स है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से शेप को क्या बोलते हैं। जैसे फर्स्ट कंपास है, प्रोटेक्टर है, सेट स्क्वायर, तो उसको हम लोग पहले समझेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना है और क्वेश्चन में पूछ दिया यूजिंग कंपास ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले आपको समझना रहेगा कि कंपास किसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक को समझेंगे। ये जो हमारा रहता है ये क्या है, कंपास है। इसको नॉर्मली नॉर्मल वर्ड में इसको हम लोग राउंडर भी बोलते हैं बहुत से जगहों पर, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, कंपास या फिर राउंडर। इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी लाइन को बाइसेक्ट कर सकते हैं पेंसिल का हेल्प लेकर, ठीक है। सेकंड क्या दिया है, प्रोटेक्टर। अभी प्रोटेक्टर क्या रहता है तो उसको भी हम लोग समझेंगे कि प्रोटेक्टर किस तरह से दिखता है। तो ये हमारा क्या है, प्रोटेक्टर है। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह क्या दिया है, नेक्स्ट सेट स्क्वायर। अब सेट स्क्वायर किस तरह से दिखता है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। ये क्या है हमारा, सेट स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट स्क्वायर। इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर लाइंस का बार बार नाम क्यों ले रहा, क्योंकि जो हम लोग का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो इसी सभी इंस्ट्रूमेंट के बेस पे क्या है, सॉल्व किया हुआ रहेगा। जिसे क्वेश्चन में हमें पूछेगा कि ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन विद द हेल्प ऑफ या फिर यूजिंग कंपास, सेट स्क्वायर या फिर प्रोटेक्टर। इसके लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझना बहुत जरूरी है, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 39। यहाँ पे हम लोग को दिया है प्रैक्टिस सेट 39, 6 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है, ड्रॉ लाइन एल, टेक एनीवेयर पॉइंट पी ऑन लाइन, ठीक है, यूजिंग अ सेट स्क्वायर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जैसे हम लोग को क्वेश्चन में बोला रहेगा कि आपको किसके हेल्प यूज करके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे किसका यूज करना है, सेट स्क्वायर। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन एल एट द पॉइंट पी, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर का सिंबल किसे रहता है, तो इस तरह से उल्टा टी भी आप बोल सकते हैं। ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर का सिंबल है। आया समझ में, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या बोला है, ड्रॉ लाइन, तो लाइन किससे ड्रॉ करेंगे, स्केल से नहीं, इसको स्केल नहीं, नॉर्मली इसको जो हमारा मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसमें इसका नाम क्या है, रूलर है। क्या है, रूलर। तो एक चीज इसको भी आपको समझना है कि इसका नाम क्या है, रूलर है। आए समझ में। अब रूलर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि लाइन का कोई लेंथ दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली एक डिस्टेंस अज्यूम करके उसको ले लेंगे, ठीक है। अब लाइन का नाम क्या बोला है, एल बोला है, तो सिर्फ एल लाइन हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ले लिया एल। अब क्या बोला है, टेक एनी वेयर पी पॉइंट ऑन लाइन। अब लाइन के ऊपर क्या बोला उसने, कहीं पर भी पी पॉइंट ले लो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पी पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, पी पॉइंट ले लिया। अब उसके बाद क्या बोला, जैसे जैसे क्वेश्चन को रीड करते जाने का, इंस्ट्रक्शन जो दिया रहेगा उसी को फॉलो करते हुए चले जाने का। पहले बोला ड्रॉ लाइन, लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, टेक पॉइंट पी ऑन लाइन, तो लाइन के ऊपर पी पॉइंट ले लिया। अब क्या बोला, यूजिंग अ सेट स्क्वायर ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन एल एट द पॉइंट पी। अब सबसे पहले सेट स्क्वायर, तो हम लोग अगर जो इंट्रोडक्शन अभी मैंने जो स्टार्टिंग में दिया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया कि सेट स्क्वायर किसको बोलते हैं। ये हमारा सेट स्क्वायर हो गया। अब इसको यूज करके हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सेट स्क्वायर क्या करेंगे, ठीक एकदम स्ट्रेट क्या करेंगे, इससे जो बेस लाइन है उससे एकदम स्ट्रेट रखेंगे,
और P पॉइंट से होते हुए उसको क्या करेंगे, एकदम स्ट्रेट रखेंगे। P पॉइंट पर रख के ये जो हम लोग ने लाइन ड्रॉ किया उसको यहाँ पे मैच करके फिर यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो यहाँ से कैसा कर्व में है, तो आपको एकदम पूरा स्ट्रेट यहाँ पे रख के इसको लाइन को मैच करना है, हो गया। अब यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट ले लेना है। अब उस पॉइंट का नाम नहीं दिया तो हम लोग नॉर्मली यहाँ पे एक डिस्टेंस ले लेंगे नॉर्मली, ठीक है। अब इसका नाम लिख लो, यहाँ पे P है तो यहाँ पे ले लो आप Q, और P और Q को क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी रहती है, तो अगर आपको पता होगा तो कोई भी परपेंडिकुलर की वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, 90 डिग्री रहती है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके आगे का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।